आज तारीख है 29 जून 2024 और दिन है शनिवार का। आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास है। वजह है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। भारत फाइनल्स में पहुंच चुका है और सामने है साउथ अफ्रीका। दोनों ही टीम इस सीजन में अनबीटन रही है, यानी कि दोनों ही टीमों ने एक भी मैच नहीं हारा। हालांकि पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का पलड़ा इस मैच में ज़्यादा भारी है। ऐसी ही सेम सिचुएशन पिछले साल भी बनी थी, जब 19 नवंबर 2023 के दिन हर भारतीय क्रिकेट फैन का दिल टूटा था। वजह थी आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में आमने सामने थे और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से ये मैच जीत लिया था। भारत ने टूर्नामेंट के सारे मैच जीते थे, पर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा था। इस साल भी यही सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है, लेकिन क्रिकेट फैंस को विश्वास है कि इस बार ट्रॉफी भारत जरूर आएगी। इसी कड़ी में लोकली टीम ने लखनऊ के ज्योतिषाचार्य राजेश कुमार से बात की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की कुंडली को देखते हुए मैच से जुड़ी कुछ बड़ी भविष्यवाणी की है, और वो क्या है आइए जानते हैं। जून 2024 को रात में 8 बजे जो मैच भारतीय समय अनुसार शुरू होने वाला है, और हालांकि वहां 10:30 बजेगा मुझे लग रहा। तो ऐसे स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि जब हम 8 बजे की कुंडली बनाएंगे तो भारतीय समय अनुसार ये धनु लग्न की कुंडली बनेगी, और धनु लग्न की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें और मीन राशि बन रही है, तो ऐसे हालात में हम ये कहेंगे कि पहली बात तो जो रोहित हैं, इस टीम के लीडर हैं, कैप्टन हैं, अगर उनको भी देखें तो वो तुला राशि से गवर्न करेंगे, और तुला राशि से देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में इनसे छठे भाव में राहु और चंद्रमा का गोचर हो रहा है। इनसे छठे भाव का कहने का मतलब है कि रोहित से छठे भाव में चंद्रमा और राहु का गोचर होगा। तो छठे भाव में राहु चंद्रमा का गोचर बढ़िया होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न जो बना है उस प्रश्न पर अगर हम ध्यान दें तो नौमेश और खष्टेश, यानी नौमेश है सूर्य और खष्टेश है शुक्र, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ बन रहा है तो क्या कहता है, खष्टेश मतलब संघर्ष भाव, नौमेश मतलब भाग्य भाव। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि 99% चांसेस बन रहे हैं कि भारत जीतेगा, लेकिन मैच फंसेगा, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, सूर्य शुक्र ये भी कहता है कि टॉस जीतने वाली बात में भारत टॉस जीत सकता है और भारत बैटिंग कर सकता है पहले पार। यानी काफ़ी कुछ क्लियर है, आसान नहीं होगा मैच और काफ़ी संघर्ष भरा होगा, लेकिन अंतिम टाइम पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब अंतिम टाइम पे जैसे कभी कभी आपने देखा है मैच फंस जाता है, पता चला कि 16 बॉल बची है और 21 रन बनाना है, 30 रन बनाना है, तो इस तरीके का कुछ मसला बीच में फंसेगा और स्थिति ऐसी बनेगी कि बड़ा रोमांचक तो होगा, लेकिन सीधी बात है कि जो देश जीतने के कगार पे होगा वही परेशान होगा। मान लीजिए हमारा भारत, हमने कहा ना कि इंडिया के जीतने के चांसेस बन रहे हैं, अगर हम कल की कुंडली बनाएं तो इंडिया के चांसेस बनेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आपको यही लगेगा कि गड़बड़ है, मामला जाने वाला है, जाने एकदम से हाथ में आ गया तो फिर पता चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में पटाखे ही पटाखे छूट रहे हैं और जय जयकार हो रही है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो यकीनन हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं राजेश कुमार जी, उन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है, पूरी कुंडली देखी है, बारीकी से अध्ययन किया है, उसके बाद बताया है कि कल का मैच जो भारत बनाम साउथ अफ्रीका होने वाला है, आखिर वो कैसा रहेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और आखिरी टाइम पे क्या कुछ रोचक चीज़ होने वाली है, वो भी उन्होंने बता दिया है। तो फिलहाल कल भारतवासी इंतज़ार कर रहे हैं मैच का, देखने वाला होगा कि आखिर कौन जीतता है, लेकिन सर की बातों से यह मैच अब और भी ज़्यादा रोचक हो गया है। तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत।